हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनुजीएस एकेडमी में और मैं हूं नेहा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फोर्थ प्रैक्टिस सेट जो कि है अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन से लिया गया है फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए आज फिर मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देखूंगी कि कितने आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, मतलब कि कितने आपके सही आ रहे हैं उसमें से और कितने आपके गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कमेंट। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन 51 से। संदेश रासक के रचयिता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, अब्दुल रहमान इसके रचयिता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो है ये काव्य है। संदेश रासक क्या है? ये काव्य है और ये अपभ्रंश से लिया गया है। चलिए अब बात करते क्वेश्चन नंबर 52 की। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो फ्रेंड्स ये महीना बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये हिंदी का महीना है, जो हिंदी में बोले जाते हैं वो। ठीक है, तो मैं इसको आपके हिंदी के सारे महीने बता देती हूँ, फिर आप मुझे आंसर कीजिएगा। चलिए पहले नंबर पे हमारा जो पहला महीना होता है वो हमारा चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़। आषाढ़ के बाद सावन, भाद्रपद, अश्विन और क्या कहते हैं कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, 11th है हमारा माघ और 12th है हमारा फागुन। जैसे कि अभी होली हमारी गई है फागुन के माह में, आप सभी को पता है। तो अब आप बताइए मैंने भाद्रपद के बाद कौन सा महीना बोला है, मतलब कौन सा महीना भाद्रपद के बाद आता है? तो मैंने बोला था कौन सा, अश्विनी। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी अश्विनी आता है भाद्रपद के बाद। मैंने इसलिए बता दिया आगे आपको कोई भी मंथ आ जाए पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा, और समझ ना आया हो याद ना हो तो रिवर्स करके वीडियो को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ याद आया पंक्तियां सुनकर? हाँ याद आया, 12th क्लास में पढ़ा हुआ चैप्टर लगता है ये, तो कब पढ़ा था, 12th में पढ़ा था। किसने लिखा था ये? एक चैप्टर था रामधारी सिंह दिनकर के नाम से, उसमें है ये लाइन। ठीक है, और ये उसमें कहाँ से ली गई है, अभिनव मनुष्य से वहाँ ली गई है लाइन। ठीक है, आपको याद आई गई होगी 12th क्लास की पढ़ाई। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो मैंने आपको तार सप्तक चैप्टर के बारे में पिछले सेशन में बताया था, कौन से वाले में, प्रैक्टिस सेट 2 था शायद वो, हाँ क्वेश्चन 54 ही है उसमें भी। उसमें क्या था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 7 कवियों ने जो कविताओं का संकलन किया था उसे क्या कहा था, उसे क्या कहते हैं हमने, तार सप्तक कहा था। इसका मंडल किसने बताया ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और कौन से सन में किया गया था। फ्रेंड्स ये इसका ऑप्शन ए होगा, 1943 में इसका प्रकाशन किया गया था, मतलब इसका पब्लिकेशन किया गया था। तो 54 का ए आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही फेमस पंक्ति है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये पंक्ति। और ये पंक्ति फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, ऑप्शन डी है हमारा मुक्ति बोध। ये है मुक्ति बोध जी ने इसे लिखा है। मुक्ति बोध जी का जो पूरा नाम है वो क्या है, गजानन माधव मुक्ति बोध। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निराला दे देते हैं, तो यहाँ पे मुक्ति बोध दे दिया है आपको, लेकिन पता चल गया इनका पूरा नाम क्या है, गजानन मुक्ति बोध। क्या? गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 56 की। हिंदी शब्दकोश में अंक किस वर्ण से पहले आता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि इंग्लिश की डिक्शनरी होती है ऐसे ही हिंदी का शब्दकोश होता है। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी होता है, तो यहाँ पे कि अंग आहा फिर अ आ ई ई ऐसे स्टार्ट होता है और हा पर आकर खत्म होते हैं ये। ठीक है फ्रेंड, तो अंग के बाद क्या आता है, आहा आता है। अगर नॉर्मल हिंदी का याद करने के ट्रिक करने तो आपने क्या है आसन आर सीखे है ना, उसमें स्वर करते, तो अंग के बाद क्या आता है, आहा आता है। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, 56 का सी होगा आहा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था, जीभ जिस वर्ण को यू बोलने के लिए दांत को टच करती है दंतव्य होता है। तो यू बोल कर देखिए, ट नहीं च नहीं ता, हाँ जी ता में क्या है, हमारा दांत को टच कर रही है हमारी जीभ। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा 57 का, सी होना चाहिए, डा भी नहीं हो रहा है, बोल के देख लीजिए आप, पता चल जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, 57 का सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो 58 क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ बोल रहा है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। मैंने आपको शब्दकोश का बताया था, इंग्लिश की डिक्शनरी ऐसे ही हिंदी का शब्दकोश। तो इसमें क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था ना, अंग से तो शुरू होते हैं, अहा पे खत्म होते हैं ये। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मतलब हा पर खत्म होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम व्यंजन की बात करें तो वो आधा शब्द शुरू होते हैं। अगर हम बात कर ले का की, तो आधा का से शुरू होगा। तो इसने बोला सर्वप्रथम, सर्वप्रथम तो वही होगा जो शुरू में आता है। तो यहाँ पे क्या है, आधे वर्ड वाले दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, अंग वाले तो दिख नहीं रहे, अंग की बिंदी तो इसमें लग रही पर का पर लग रही है, तो ये गलत है। बी और डी तो आपके वैसे ही गलत हो गए, तो आपका कौन सा सही होगा यहाँ पर, ए और सी में से एक सही होगा, पा पा पर। लेकिन अब चेक कैसे करें, सेकंड वर्ड देखिए,
क्या पहले आता है, या पहले आता है या ला? या रह ल, तो क्या ला तो बाद में आ रहा है, या पहले आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा टिक होगा हमारा? राइट, 58 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, पी आओ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। महा प्लस उदय संधि कीजिए। फ्रेंड्स आ प्लस उ क्या होगा, ओ हो जाएगा ना, तो क्या होना चाहिए ऑप्शन हमारा? ए महोदय, ऑप्शन 59 का ए महोदय। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। सद्भावना का संधि विच्छेद है, तो फ्रेंड्स सद्भावना का जो संधि विच्छेद है, मैंने आपको किया था संधि विच्छेद में बताया था, क्या बताया था? सद्भावना को अलग करेंगे तो दा क्या होता है हमारा, ता हो जाता है, तो क्या हो जाता है? सद्भावना। तो क्या होना चाहिए ऑप्शन डी में दिख रहा है ना, सद्भावना। चलिए तो ऑप्शन डी हमारा राइट है 60 का। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की। यहाँ ये क्या कह रहा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे लिपि भी नहीं, शब्दांश भी नहीं, भाषा भी नहीं, उसे क्या कहा जाता है, उसे पद कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन 62 की। यहाँ आपको सेंस लगानी है खाली स्थान में, है ना, डैश बोलो कोई सुन लेगा, जोर से बोलो कोई सुन लेगा, अरे किसी को सुनाना ही है, मतलब कोई सुन लेगा, अगर किसी को सुनाना ही नहीं है तो जोर से क्यों बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सुना हुआ है कई बार, धीरे बोलो कोई सुन लेगा, तो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन होगा डी हमारा 62 का, धीरे बोलो कोई सुन लेगा वाक्य में, है ना। चलिए सेंस लगाई, पता चल गया आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। वाक्य में शब्दों का क्रम से निर्धारण होता है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, यहाँ देखिए 61 में वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, मैंने बताया था पद कहते हैं, अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन वही आ गया है, वाक्य में शब्दों 63 वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, वाक्य में शब्दों को पद कहा जाता है, पदों का क्रम निर्धारित होता है तो किससे होगा, पद क्रम से ही तो होगा, आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए 63 का ए, ना भाषा से, ना अलंकार से, ना छंद से, किससे होगा, पद क्रम से। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 की। यहाँ बोल रहा है ये वनवास में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स वनवास का समास, चलिए इसे विग्रह करके देखते हैं, वनवास मतलब वनवास, स्वर्गवास, ये क्या एक जैसे मिलते जुलते शब्द है, तो वनवास मतलब वन को प्राप्त, स्वर्गवास स्वर्ग को प्राप्त, तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह का यूज हो रहा है, कौन से का, को का यूज हो रहा है, कर्ता ने कर्म को, कौन सा चिन्ह लग रहा है, कर्म को, कर्म कारक चिन्ह लग रहा है, कर्म कारक चिन्ह कौन से समास में लगता है, तत्पुरुष में लगता है ना फ्रेंड्स, किसमें लगता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट होगा, तत्पुरुष, कौन सा कर्म समास, कौन सा समास में कौन सा कर्म वो लग रहा है इसमें, कारक चिन्ह को, कहाँ का है, कर्म को। ठीक है चलिए तो ऑप्शन आपको पता चल गया होगा 64 का। आइए बात करते हैं 65 की। निम्नलिखित में से द्विगु समास किसमें है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था, द्विगु समास में क्या होता है, पहले पद में क्या होता है, संख्यावाचक होता है और समूह भी पता चलता है इसमें कि जहाँ समूह हो रहा हो, तो अब आप एक चीज देखिए संख्यावाचक कहाँ लग रहा है, सप्ताह, पहला ही ऑप्शन हमें तो मिल गया, सप्ताह में 7 दिनों का समूह, बिल्कुल हमारी डेफिनेशन पे खरा उतर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। यहाँ आपको ना तो आजीवन में संख्या दिख रही है, ना प्रतिदिन में संख्या दिख रही है, और ना ही नीलकंठ में आपको संख्या दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है 65 का ए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। निम्नलिखित में से किसमें द्वंद्व समास नहीं है, तो फ्रेंड्स द्वंद्व समास की क्या परिभाषा थी, इसमें क्या होता है आपके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या कहते हैं, प्रधान होते हैं, तो दोनों पद यहाँ आपको ज्यादा प्रधान होते हैं, पहचानती योजक चिन्ह होता है, सभी में योजक चिन्ह है, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में नहीं है, तो कौन सा हमारा है समास नहीं है, द्वंद्व समास डी। ठीक है तो डी पर टिक कर दीजिए। एक बात और मैंने आपको बताई थी, ये अपोजिट होते हैं द्वंद्व समास जो होते हैं, जैसे सुख का दुख अपोजिट है, रात दिन दुख अपोजिट है, पाप पुण्य अपोजिट है, मतदाता में कहीं अपोजिट नहीं दिख रहा है, एक पहचान ये भी आपकी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तरंग का पर्यायवाची है, फ्रेंड्स पर्यायवाची तो आपने पढ़े ही होंगे तो याद होगा, जिसे याद है लगा लीजिए, टिक नहीं याद है तो मैं बताती हूँ, तरंग के पर्यायवाची क्या होते हैं, लहर, कलोल, उर्मी, ये सब तरंग के पर्यायवाची, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, उर्मी दिख रहा है ना, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, तरंग का पर्यायवाची क्या है, उर्मी है, क्षीण काया प्रतिकृति नहीं है। ऑप्शन 68 की बात करते हैं, सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो फ्रेंड्स आप सभी ने पढ़ा है दिवाकर, भास्कर, आदित्य, आदित्य भी किसका है, सूर्य का पर्यायवाची, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा राइट है 68 का। ठीक है फ्रेंड्स बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 की। भवरा का पर्यायवाची है, तो फ्रेंड्स भवरा के जो पर्यायवाची हैं, जिसने पढ़े हैं उसे पता होगा, भ्रग, मिलिन, भौरा, भ्रमर, ये सब किसे कहा जाता है, भवरे को कहा जाता है, तो यहाँ आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है भ्रंग, तो ऑप्शन ए आपका राइट है, दादुर, भेक, मंडूक तीनों गलत हैं आपके। ठीक है यहाँ पर चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 70 की। अनाज का पर्यायवाची है, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाहूंगी, शस्य, अन्य, धान्य, और ये किसे कहा जाता है, अनाज को कहा जाता है, घोटक, दड़िम, और क्या कहते हैं, अवलंब, ये गलत है आपके, कौन सा सही है, सस्य सही है, घोटक तो घोड़ा होता है ना, तो यहाँ गलत है, आपको पता चल रहा है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। यहाँ ये क्या कह रहा है, विलोम शब्द चुनिए, विलोम शब्द आपको चुनने हैं यहाँ पर। ठीक है
तो निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? निंदा होता है किसी की बुराई करना, स्तुति होती है किसी की मतलब हाथ पैर जोड़ना, मतलब उसकी पूजा वगैरह करना, ठीक है। तो इसका अपोजिट निंदा का स्तुति है, आप चाहे चेक कर सकते हैं, 71 का ए है स्तुति, आराधना प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है। चलिए बात करते हैं 72 की, शयन नमन, सॉरी शयन का विलोम शब्द क्या होगा? तो शयन होता है सोना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जागरण। कहते नहीं जागरण कर रखा है तुमने, तो पूरी रात से जागे हुए, तो जागरण है ना, जागरण में तो जागते ना पूरी रात, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी राइट है, जागरण। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, स्वाधीन का आपने पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन है डी हमारा प्राधीन, ना ही तो इसका अधीनता है, ना ही निर्धनता, ना ही निर्बलता, स्वाधीन का प्राधीन होता है विलोम शब्द। 73 का हमारा डी ऑप्शन राइट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, ध्यान से पढ़िएगा, संध्या और रात्रि के बीच के समय को वाक्यांश के लिए, मतलब वन वर्ड में आपको आंसर करना है। संध्या और रात्रि के बीच के टाइम को आप शाम मत बोल देना, क्योंकि संध्या तो खुद ही शाम होती है, ठीक है। इसके जो बीच की जो टाइमिंग होती है, इसे गोधूली कहते हैं। पहले जमाने में मैंने आपको बताया था गोधूली कब होती थी, जैसे कि गाय भैंस आते थे चलकर, तो उनके जो पैरों से मिट्टी उड़ती थी उसे गोधूली कह देते थे कि गोधूली हो गई है, ठीक है। तो आप 74 का आंसर होगा डी, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होगा आपका? गोधूली, ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 75 की, मोक्ष की इच्छा करने वाले वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको पढ़ा चुकी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसे याद रख लीजिएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाला कौन होता है? ऑप्शन ए हमारा मुमुक्षु, मतलब मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु इच्छु मतलब मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, ठीक है फ्रेंड्स, याद हो गया होगा आपको ये। चलिए अब हम बात करते हैं 76 की, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है मतलब गलत है, वाक्यांश के लिए गलत वर्ड यूज कर लिया है। वह कवि जो तत्काल कविता करता है, आपको पता है जो किसी को देखा और कविता कर दी उसको क्या बोलेंगे? अशु कवि बोलते हैं, ये तो हमारा राइट है बिल्कुल। जो कवि शिव की उपासना करते हैं शैव, आपने जीएस में पढ़ाई है, शैव शैव धर्म के जो लोग होते थे किसकी उपासना करते थे? शिव की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, ऑप्शन सी की, आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं, आराधक नहीं कहते हैं, मिल गया हमें हमारा शुद्ध वाक्य, ऑप्शन सी हमारा शुद्ध वाक्य है, डी भी चेक कर लेते हैं, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ठीक है ये भी, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक है कि ये अशुद्ध वाक्य है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की, आराम शब्द है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो आराम शब्द है ना, जो आप करते हो बहुत ज्यादा, ये हमारा अरबी से लिया हुआ शब्द है। कहाँ से लिया हुआ शब्द है? अरबी का। डी ऑप्शन हमारा राइट है 77 के लिए। अब हम बात करते हैं 78, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जिसको पता होगा वो बता देगा कि यहाँ का ऑप्शन हमारा सी होगा, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की आपकी परिभाषा बताती हूँ क्या होती है। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से मिलकर बना होता है, तम प्लस तत् प्लस सम, तो तत्सम का अर्थ होता है ज्यों का त्यों। तो कौन सा वाला यहाँ पे लग रहा है हमारा? तो यहाँ पे हमारे तत्सम शब्द हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, कृपण शब्द है, तो फ्रेंड्स ये संस्कृत का वर्ड है, तो ये क्या हुआ? ज्यों का त्यों यूज कर लिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा बी होगा। मैं आपको कृपण शब्द का अर्थ भी बताना चाहूंगा, कृपण शब्द का अर्थ होता है लोभी लालची कंजूस को कृपण कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 की, गुड़िया में प्रत्यय है फ्रेंड्स, तो गुड़िया में जो प्रत्यय है क्या होगा? ए ऑप्शन इया राइट है हमारा, गुड़िया का ऑप्शन क्या होगा? ए इया, गुड़िया, ठीक है। तो यहाँ क्या इया आ रहा है प्रत्यय लास्ट में, तो गुड़िया में इया। चलिए बात करते हैं 81 की, बनावट में प्रत्यय है, तो बनावट में आप देखिए आवट, तो कौन सा होगा हमारा? वट में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे हमारा आ रहा है तो आवट होगा, टा भी नहीं होगा, अट भी नहीं होगा, वट भी नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा? 81 का ए होगा आवट, ठीक है। 81 का ए राइट है हमारा। बात करते देखिए सेम आ गया कहीं ना कहीं, 82 चिकनाहट में प्रत्यय है, चिकनाहट तो क्या है? आहट आ रहा है ना यहाँ पे भी, हट ची सब गलत है, यहाँ कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा आहट बिल्कुल राइट है, 82 का बी राइट है। चलिए अब बात करते क्वेश्चन नंबर 83 की, अभियान में उपसर्ग है, तो आप बताइए उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो होता है जो स्टार्टिंग में लगता है वर्ड के, यहाँ पे अन और आ तो बिल्कुल कैंसिल हो गए क्योंकि देखिए कहीं लग ही नहीं रहा है कि ये होंगे, अभी और आ हो सकता है, आ होने से रहा क्योंकि अभी अपने आप में वर्ड बन रहा है, तो ये क्या है हमारा? ऑप्शन ए राइट होगा 83 का, ठीक है फ्रेंड्स, 83 का ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, देखिए यहाँ ये किसकी बात कर रहा है? समानार्थक शब्द की बात कर रहा है। समानार्थक शब्द क्या होते हैं? जिसके अर्थ समान होते हैं, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है, और इसमें ये बोला जो गलत है उसका चयन करना है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी खग, खग का पर्यायवाची क्या होते हैं? विहग, नभचर, पक्षी, मृग और बाण भी खग का ही पर्यायवाची है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? गंधर्व यहाँ पर आपका नहीं है, तो ये आपका गलत है, इसे टिक कर दीजिए। चलिए 84 का सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, यहाँ ये पूछ रहा है अब्ज का पर्यायवाची जो एक गलत है, तो देखिए शंख, शंख अब्ज, सबसे पहले मैं बताती हूँ अब्ज जो है ना ये कमल का पर्यायवाची है, ठीक है, अब्ज, अम्बू,
अब्जू अंबु क्या कहते हैं पंकज जलज ये सब किसके हैं, अंबुज भी क्या कहते हैं इसका कमल का ही है ना, तो कमल का अब्ज है, बट शंख का तो कमल नहीं होता है, लेकिन हाँ शंख को जलज जरूर कहते हैं। चलो ये भी हो गया, कपूर हमें गलत लग रहा है क्योंकि कपूर का नहीं होता, कलंक का भी नहीं होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गलत है आपका, ये कपूर और कलंक, कलंक का क्योंकि नहीं होता है कमल से रिलेटेड, अब कमल नहीं होता है, तो 85 क्वेश्चन आपका गलत है, चलिए इसे टिक नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं 86 की, कनक क्वेश्चन है 86 हमारा, कनक है। कनक का मैंने आपको अर्थ बताया था क्या, धतूरा सोना, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, किरण गेहूं में हम कंफ्यूज है। चलिए तो मैं आपको इसके कुछ प्रायवाची बताती हूँ, कनक के स्वर्ण धतूरा सोना गेहूं का आटा कनक कहे जाते हैं, तो गेहूं का आटा तो नहीं पर गेहूं तो दिख रहा है ना हमें, तो इसका मतलब अलग कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा अलग है किरण, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए समझ में आ गया होगा, 85 के लिए परेशान नहीं होना क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं जो बेकार की हैं। चलिए आइए देखते हैं हम 87, अधजल गगरी छलकर जाए लोकती का सही अर्थ है, अधजल गगरी छलकर जाए इसका अर्थ क्या होगा फ्रेंड, एक चीज आप माइंड लगा के देखिए, मतलब क्या होता है इसे, ये कहा जाता है कि ज्ञान व्यान है नहीं है और बोलता बढ़ा चढ़ा कर बातें हैं, मतलब अधजल गगरी और छलकत जाए, पानी तो आधा ही है और छलका जा रहा है, ठीक है तो क्या होना चाहिए, सेंस लगाइए, बर्तन का पानी लापरवाही से, बिल्कुल गलत है, बी भी हमारा गलत ही होगा अपव्यय करना, ऑप्शन सी हमारा ठीक है, डींगे हाँकना होगा, ये डींग गलत लिखा हुआ है, डींगे हाँकना ऑप्शन सी ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए डींगे हाँकना हमारा ऑप्शन का आंसर है, चलिए आंसर राइट है। मतलब अब बात करते हैं 88, अब इसे देखिए मखमली जूती मारना, अब आप एक चीज़ देखिए सेंस देखिए, जूते मारना मतलब जूते भी मार दो और इस तरीके से मारो कि पता ही नहीं चले कि मारिए, मखमली मार दी मतलब, तो उसका क्या होगा, मतलब किसी की बेइज्जती कर दी और ऐसे तरीके से कर दी उसे लगा भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा डी सही होना चाहिए, मधुर बातों से लज्जित करना, मतलब जूते भी मार दी और मखमली मार दी, मधुर बातें करके लज्जित कर दिया, होते हैं बहुत से लोग ऐसे बेइज्जती करते हैं पता ही नहीं चलता है। चलिए बात करते हैं 89 की, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो फ्रेंड्स ये आपके घर में बोल देते होंगे कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को मतलब ऐसे सोच लेना कि वैल्यू ना करना, थोड़ा इस तरीके से इसे हम मान सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, मूर्ख अच्छी वस्तुओं की कद्र नहीं करता, मतलब जो मूर्ख है ना उसे अच्छी चीज़ों का पता ही नहीं है, उसके गुण के बारे में नहीं पता, कि बंदर को क्या पता अदरक का स्वाद, मतलब अदरक में जितने गुण होते हैं उसे क्या पता, ए बी ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको किए हुए हैं, चेक करके देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन बिल्कुल सी ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक बनता है, कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूंगी कमेंट के लिए आपके, और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके कल न्यू सेशन के साथ मिलते हैं, बाय।